जो धर्मेंद्र बिलोटिया है उसने टाइम पे काम नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से जो है वो अभी तक बन नहीं पाई। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब मैं मनीष विश्वकर्मा जी की फिल्म में बन रही, उनके ऊपर बन रही फिल्म में काम करूंगा और बहुत सौभाग्य है मेरा। इसी बात हमारा जो प्रोडक्शन है उसका एग्रीमेंट भी हमने बनाया था ये। अच्छा, इसमें उसके फाइल भी हैं और पूरी टीम वालों के सामने जो हमने नहीं है, या मनीष विश्वकर्मा जी को जो चाहते हैं उनको पूछना चाहिए, उससे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे जो भी है जहाँ भी वो बनाता है वीडियो की, भाई आप मूवी क्यों नहीं बना रहे। नमस्कार राजगढ़ वासियों, आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी। इस वक्त हम उस जगह खड़े हैं जहां पर शहीद मनीष विश्वकर्मा खुजनेर, जिसको लेकर एक मूवी तैयार की जा रही थी, वो तमाम सारी तैयारियां मूवी को लेकर किया जा रहा था। हाल ही में कुछ वर्ष पहले शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूवी तैयार करने को लेकर खुजनेर में उस मूवी का उद्घाटन किया गया था। जब उद्घाटन उस मूवी का किया गया था तो हमारे जिले के ग्रेटर जो धर्मेंद्र बिलोटिया, जिसने वादा किया था कि मनीष विश्वकर्मा की जो मूवी है उसमें मैं पूरा वादा निभाऊंगा और मनीष विश्वकर्मा की मूवी को तैयार करने में मैं पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन जब उनके डायरेक्टर थे इस मूवी के राजेश जी कारपेंटर, उन्होंने तमाम सारी व्यवस्था की और तमाम सारे सामान उन्होंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये तमाम सारी चीजें हैं, ये हेलमेट आप देख सकते हैं और यहाँ पर ये जो मूवी को तैयार करने को लेकर आतंकवादी जो बनते हैं उसकी ड्रेस यहाँ पर रखी हुई है और ये गन यहाँ पर रखी हुई है। ऐसी तमाम सारी चीजें कई रुपए खर्च कर यहाँ पर मनीष विश्वकर्मा की मूवी तैयार की जा रही थी, लेकिन धर्मेंद्र बिलोटिया ने, आपको वो वीडियो भी हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, कि धर्मेंद्र बिलोटिया ने वादा किया था कि शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूवी को तैयार करने पूरा वादा निभाऊंगा। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब मैं मनीष विश्वकर्मा जी की फिल्म में बन रही, उनके ऊपर बन रही फिल्म में काम करूंगा और बहुत सौभाग्य है मेरा। मेरे भी बचपन से सपना था आर्मी में जाने का, पर उस टाइम मेरी हाइट कम थी इसलिए मुझे हाइट में दो तीन बार निकाल दिया गया था, तो मुझे अंदर से बहुत गर्व हो रहा है कि मैं अपने राजगढ़ जिले के मनीष विश्वकर्मा जी की ऊपर बनने वाली फिल्म में काम कर रहा हूं और कोशिश करूंगा अपनी तरह से पूरी अच्छे से काम कर। लेकिन धर्मेंद्र बिलोटिया अब अपने वादे से क्यों मुकर रहे हैं और ये इतनी सारी तैयारी होने के बाद उस खुजनेर की माटी के लाल शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूवी को अधूरा छोड़ दिया गया है? क्यों किया है ऐसा? इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए कि देशभक्ति भूल गए? जिस शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूवी को देखने के लिए कई युवा उत्सुकता में थे कि जल्द ही शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूवी आएगी, वो युवाओं को भी आस थी कि शहीद मनीष विश्वकर्मा पर बनने वाली मूवी जल्द हम देखेंगे, लेकिन 2 साल लगभग इस मूवी को ना बने हुए हो गए। इसका उद्घाटन लगभग 2 वर्ष पहले खुजनेर में हुआ था। हम तमाम जानकारी आपको जो मूवी के डायरेक्टर थे राजेश कारपेंटर जी, उनसे बात करवाते हैं क्या कुछ कारण था। तो शहीद मनीष विश्वकर्मा पर बनने वाली मूवी क्यों है अधूरी? जिस मूवी के डायरेक्टर थे राजेश जी कारपेंटर, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, वो बताएंगे क्या कारण रहा है कि शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूवी नहीं बनी अभी तक। देखिए, उसमें ऐसा है कि जो धर्मेंद्र बिलोटिया है उसने टाइम पे काम नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से जो है वो अभी तक बन नहीं पाई है। अगर वो चाहता थोड़ा सा वीडियो बनाना बाद में कर देता, सोचता कि यार वीडियो बाद में बना ले, पहले मूवी का काम कर ले, तो हो सकता है जल्दी आ जाए शूट। और जैसे जैसे टाइम निकालते गए मूवी पूरी नहीं हुई, हमने काफी प्रयास किया बीच में, उससे बोला भी सही कई बार, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, क्या करें। क्योंकि हमने बीच में जैसे जैसे मेरे को टाइम मिला, मैंने उसके अलावा जो सीन थे उसमें वो बहुत निकाले हैं, जो जिसमें वो नहीं था अदर सीन काफी निकाल लिए हैं। धर्मेंद्र बिलोटिया ने जब इस मूवी का शुभारंभ किया गया था खुजनेर में, उस समय धर्मेंद्र बिलोटिया ने वादा किया था कि इस मूवी को पूरा करूंगा। जी बिल्कुल किया था, एक तो उद्घाटन के टाइम का वीडियो भी है, आपको मैं दिखा दूंगा, उसमें उसने खुद बोला था कि इस मूवी को करने के लिए मैं मतलब बहुत गर्व है मुझे इस बात का और मेरी इच्छा है करने की। और दूसरी बात, हमारा जो प्रोडक्शन है उसका एग्रीमेंट भी हमने बनाया था ये। अच्छा, इसमें
उसके साइन भी है और पूरी टीम वालों के सामने जो हमने ये बनाया था। और ऐसे वो ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का हमने बना रखा है, आप देखो ये पूरी टीम का एग्रीमेंट तैयार किया था। कैसे है ये, इसमें साफ साफ लिखा है सारी चीजें, हमने शर्तें लिखी थी। और बात रही ये कि ये हमने प्रोडक्शन वाले जो एग्रीमेंट बनाए थे उसका ये है कि देखिए हम जो मूवी बना रहे थे हमारा बजट इतना करोड़ों वाला नहीं था कि हम हजार हजार या 500 के इस पे एग्रीमेंट पे या कोर्ट में जाके हम नोट उसपे वो क्या बोलते हैं उस पर करवा सके नोट वाला, क्योंकि हमने सबने 2-2 हजार 5-5 हजार पैसे मिला के तो ये बनाया था, मूवी बना रहे थे। अब अगर हम इसमें इतना खर्च करते थे तो हम मूवी कैसे बनाते, इसलिए हमारी जो टीम को जो उचित लगा उस टाइम उस हिसाब से हमने बनाए थे। और इसमें स्पष्ट आप देखिए या लिखा है कि फिल्म को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, अन्यथा आप पर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा जो भी कार्रवाई होगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर धर्मेंद्र गुलोटी अनपढ़ था तो उसको अगर पढ़ना नहीं आता तो बात अलग है भाई, उसकी उसको पढ़ने के बाद ही तो उसने साइन किया ना इसको। राजेश जी एक और सवाल था मेरा कि धर्मेंद्र गुलोटिया ने मूवी अधूरी छोड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि राजेश जी अपने लाभ के पीछे थे या धर्मेंद्र गुलोटिया को इसका फायदा नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसा कुछ कारण था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो फायदा तो इस मूवी से शायद उसको नहीं हो रहा था ऐसा लगा हुआ उसे या तो जी। तो बाकी मेरा तो ऐसा है कि मैं तो काम ही मैंने शुरू ही मूवी को पूरी करने के लिए किया था और मेरी पूरी टीम जो है सारे उसी पे लगे हुए थे, तो हम तो चाहे ये रहते कि ये मूवी पूरी हो जाता ज्यादा, उसने वादा भी किया था। फिर बहुत सारी पब्लिक हमारे यहाँ की चाहती भी है कि मनीष की जो है जीवन के बारे में पता चले, तो उसकी हम दर्शाना चाहते थे। कहीं धर्मेंद्र गुलोटिया से अभी आपकी बात हुई है, क्या कुछ कहते हैं वो इस मूवी को लेकर? देखिए 2 तारीख के दिन अभी थाने में बुलाया था तो आया था वो, और जब तो यही बोला था कि मेरे को 2-3 दिन का टाइम दो मैं बताता हूँ, लेकिन जहाँ तक उसके 2 तारीख लग रहे थे कि वो नहीं करना चाह रहा है। अच्छा, उसके बाद में 5 तारीख का बोला था लेकिन उसका तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब हमने पूछा तो बोल रहे हैं कि पुलिस वाले में तो पूछ लो वो बताएंगे, हमने उनको बता दिया है, पुलिस वाले का भी हमें जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो अभी टालने की कोशिश कर रहे हैं बात को, मतलब ये है। राइट जी, कितना फंड नेताओं ने दिया था राजगढ़ के इस मूवी को लेकर? देखिए बात तो हुई थी पर अभी तक तो किसी ने नहीं दिया। अच्छा, तमाम कई सारे लोग सवाल उठाते हैं, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा है कि धर्मेंद्र गुलोटिया को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? बदनाम में देखिए सर, हमने उसके साथ बहुत सारा काम किया है, बदनाम करके क्या करेंगे, हम बनाने वाले हैं भाई, एक बना एक को बनाया दूसरी मूवी में वैसे दूसरे को ले लेते हैं तो बदनाम करके क्या करेंगे भाई, हमें तो हमारा प्रोजेक्ट से मतलब है, वो प्रोजेक्ट पूरा करे उसके बाद दिखे जो काम करे। तो धर्मेंद्र गुलोटिया को जो है उन्होंने बोला था कि इस मूवी को पूरा करने के लिए पूरा वादा निभाऊंगा और कहीं ना कहीं अपनी देशभक्ति, मेरी भी इच्छा थी कि आर्मी में जाऊं, ऐसी तमाम सारी चीजें उसने रखी थी, लेकिन फिर भी इस मूवी को लेकर अधूरा छोड़कर बच गया। तो देखिए सर ऐसा है कि ये बात तो आप जनता जो देख रही है या मनीष विश्वकर्मा जी को जो चाहते हैं उनको पूछना चाहिए उससे, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे जो भी है जहाँ भी वो बनाता है वीडियो कि भाई आप मूवी क्यों नहीं बना रहे, क्यों पूरी नहीं कर रहे हैं? लोगों को सवाल पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए ना, जैसा मेरे से पूछते हैं बहुत सारे कि तुम्हारी मूवी इतने दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं आई, तो उसका कारण उनसे भी पूछना चाहिए क्यों नहीं आई, उसको जवाब देना चाहिए कि भाई क्यों नहीं बन पा रही अभी तक, क्या कारण है बताना चाहिए। तो अगर धर्मेंद्र गुलोटिया इस मूवी को लेकर मना करते हैं कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा तो क्या मनीष विश्वकर्मा की यह मूवी पूरी होगी? जी बिल्कुल होगी, वो रहे या नहीं रहे मूवी तो हम बनाएंगे, चाहे भले हमारा कितना ही नुकसान और हो जाए, लेकिन हमने कसम खाई थी और जो हमने वादा किया है हम कभी मतलब वादा तोड़ते नहीं है, हम मूवी तो हम बना के रहेंगे, हमारे टीम के जो भी सारे हैं और कर ही रहे हैं, मूवी तो बनेगी। तो आप खुद इस मूवी को पूरा करेंगे? राजेश जी कारपेंटर जो डायरेक्टर थे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम शहीद मनीष विश्वकर्मा पर बनने वाली मूवी को पूरा करेंगे और युवाओं को विश्वास दिलवाते हैं कि खुजने की माटी के लाल शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूवी को जल्द आपके सामने रखेंगे। तो आप देखते रहें रियल राजगढ़ टीवी।